किसानों को सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रदेश सरकार नई कृषि उपज मंडी खोल रही है और इसी कड़ी में आज आदिवासी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जनक ध्रुव ने देवभोग के घुमरगुड़ा में नए धान खरीदी केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उनका ग्रामीणों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत सत्कार किया। नए कृषि मंडी का उद्घाटन जनक ध्रुव ने धान तोलकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्थानीय कांग्रेस के पदाधिकारीगण भी मौजूद रहे। आदिवासी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जनक ध्रुव ने सभी को संबोधित करते हुए भूपेश सरकार की किसान हितेशी कई योजनाओं की जानकारी देते हुए सरकार की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि घूमरकुड़ा नई कृषि मंडी खुलने से यहां के लगभग 500 से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे। साथ ही पूर्व में यहां के किसानों को लंबी दूरी तय करके धान बेचने और अन्य समस्याओं से निजात मिलेगा। साथ ही में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। नए कृषि उपज मंडी के खुल जाने से स्थानीय किसानों में खुशी की लहर है, जिसके लिए उन्होंने प्रदेश सरकार के प्रति आभार भी जताया। बरकानी घुमरगुड़ा सरगीगुड़ा के किसानों को लाटापारा खरीदी केंद्र ले जाने में लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पड़ती थी, जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ के स्थानीय किसानों के मांग के अनुसार हमारे किसान पुत्र माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी तत्काल जो है इनके मांग पर गंभीरता से लेते हुए नया खरीदी केंद्र स्वीकृति कर घुमरगुड़ा में खरीदी केंद्र आज शुभारम्भ हुआ। निश्चित रूप से माननीय भूपेश बघेल जी का एक ही लक्ष्य है, सिर्फ और सिर्फ किसान मजदूर को किसी भी प्रकार का दिक्कत न हो, वो जो भी मांगेंगे उसको हर हालत में पूरा करने में वो जो है ना कटिबद्ध है। और इसलिए आज जो है घुमरगुड़ा खरीदी केंद्र को स्वीकृति मिला और जो आज शुभारम्भ था, पूरे क्षेत्रवासी क्षेत्र के किसान बहुत उत्साहित है, बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। हमारी सरकार जब से भूपेश बघेल की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, किसानों और मजदूरों और बेरोजगारों की सरकार है। और आज देखेंगे तो आज पूरा प्रदेश में नहीं, पूरा देश नहीं, विश्व में भूपेश बघेल का नाम चल रहा है। और इसी के तारतम्य में आज चाहे न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, चाहे नरवा गरवा घुरवा बारी की योजना, ढेर प्रकार की योजना, चाहे हमने इसी तारतम्य में आप देखेंगे प्रदेश के जो पिछले 15 साल में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जो किसी प्रकार के किसानों के प्रति और बेरोजगारों और मजदूरों के प्रति ध्यान नहीं दिया था, उसके विपरीत हमारी सरकार जो एक उपलब्धि भरा काम कर रहा है। और इसी में आज धान खरीदी केंद्र के तहत पिछले 2 साल का कोरोना का काल रहा, लेकिन 2 साल में हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बिंद्रा नवागढ़ में लगभग 18 धान खरीदी केंद्र का स्वीकृति दिए हैं। और उसी के तारतम्य में आज ये खरीदी केंद्र का उद्घाटन अवसर किया गया। यहाँ ग्राम पंचायत घुमरगुड़ा, ग्राम पंचायत सरजीगुड़ा, ग्राम पंचायत गंगराजपुर के सब किसान खुश हैं। हमको लंबा दूरी में धान बेचना पड़ रहा था, 12 से 13 किलोमीटर पड़ता था, गाड़ी का ट्रांसपोर्टिंग बढ़ता था और वहीं ढेर सारी समस्या थी। अब सामने मंडी खुल गया, इसके लिए पूरे किसान खुश हैं। और सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से सभी किसान, सभी गरीब किसान मजदूर सब खुश हैं। इसके साथ साथ बेरोजगारों को भी लाभ मिलेगा, इस एवज में भी बेरोजगार खुश हैं।